अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत फजल करम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं गन शॉप्स पे, सदर में, सदर की मशहूर फेमस आर्म शॉप है जहाँ पर हम जा रहे हैं। और मेरे साथ हैं मेरे कजन फहद चौधरी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज ये एक्सप्लोर करेंगे गन शॉप को और आपको सारी रेट्स वगैरह बताएंगे, वहाँ की मार्केट के अपडेट्स बताएंगे और उनके पास कौन कौन से वेपन्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उनके पास, हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो भी जाने। तो व्यूअर्स, ये हम आ गए हैं फेमस आर्म्स पर, आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं इनके पास कौन कौन से आर्म। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर। हम लोग यहाँ पे आपकी शॉप में आए छोटा सा व्लॉग बनाने के लिए कि आप हमें थोड़ा सा गाइड कर सकें और हमारे व्यूअर्स को भी गाइड कर सकें। वेलकम। तो आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा, लाइक जिस तरह के एक हालात चल रहे हैं हमारे शहर में, तो आप कौन सी गन या पिस्टल सजेस्ट करेंगे हमें? थोड़ा सा मैं पहले अपना शॉप का और अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम महमूद खाकी है। हम लोग 1988 से वेपन के बिजनेस के अंदर हैं। माशाल्लाह। पहले तो ज़्यादातर लोग अपने शौक के लिए और शिकार के लिए, हंटिंग के लिए वेपन इस्तेमाल करते थे। अफसोस की बात यह है कि दिन ब दिन ट्रेंड चेंज हुआ और लोगों को ये बेसिकली शौक के बजाय अब ये नेसेसिटी वेपन जो है ना बनता जा रहा है। लोग ज़्यादातर मुल्की हालात, शहर के हालात और स्ट्रीट क्राइम की वजह से अपनी हिफाजत के लिए ज़्यादातर लाइसेंस बनवा रहे हैं। और हैंडगन एक बेसिकली ऐसा वेपन होता है जिसको कैरी करना, इस्तेमाल करना अपनी जान की हिफाजत के लिए सबसे आसान होता है। जिस तरह ये बड़ी गने हैं, इनके मुकाबले में ये जो छोटी हैंड गन्स हैं, इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आसान है। ये आप अपने साथ, बॉडी के साथ, कंसील्ड मैनर के अंदर कैरी करना आसान होता है। इसको आप अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख सकते हैं, रात को कहीं आप आराम कर रहे हैं तो तकिए के नीचे रख सकते हैं, फैमिली अगर आपके साथ है पर्स में रखना चाहें, लेडीज पर्स में ये आराम से कैरी करना इसको बहुत आसान होती है, हिडन होती है ना छोटी। हाँ, इसको कंसील्ड मैनर में कैरी करना बहुत आसान। तो इनमें एक कॉम्पैक्ट साइज भी आता है और इनमें से थोड़ा सा एक बड़ी गन भी होती है, लाइक इन दोनों में क्या फ़र्क है इन पिस्टल्स में? कॉम्पैक्ट पिस्टल ज़्यादातर लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसका एक सिंगल रीज़न होता है, उसको उसका वेट कम होता है। जिन्होंने डेली यूज़ करना है तो वो ऐसा पिस्टल पसंद करते हैं जिसका वज़न और साइज़ कम कम। मुख्तलिफ वेपन कंपनीज के हैं, जिस तरह ग्लॉक कंपनी बनाती है उसका वेपन छोटा और हैंडी होता है, इस्तेमाल में बड़ा आसान होता है। उसकी मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीज़ें दिखा भी दूं। जी सर। इस तरह ये अमेरिकन ग्लॉक पिस्टल है, इसकी ग्रिप बहुत कामयाब है, लाइट वेट है, 19 ग्लॉक जैन 4 के अंदर है, यूएसए मेड। तो ये पिस्टल ज़्यादातर लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसके अंदर चैम्बर करते वक्त स्लाइड इसकी अच्छी बनी हुई है, शार्प, कोई सेफ्टी नहीं होती इसके अंदर, कोई लॉक नहीं होता। ये इमरजेंसी पिस्टल है, ज़्यादातर लोग इसके मैगजीन में बुलेट रखते हैं और ऑन द स्पॉट ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ चैम्बर किया और उसको जो है अपने हिफाजत में इस्तेमाल किया। तो मेन चीज़ ये है कि ज़्यादातर वो पिस्टल इस्तेमाल करना चाहिए जिसको हैंडल करना, इस्तेमाल करना आसान है। तो ये इम्पोर्टेड पिस्टल है, ज़्यादातर लोग जो है ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल। ओके। इसका मैगजीन का कितने बुलेट्स का है? ये 15 राउंड का मैगजीन है इसका। ओके। 15 राउंड के इसके साथ दो मैगजीन होते हैं। ठीक है। और भी मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं हमारे पास। यानी ये क्या क्या ये एक्स्ट्रा ग्रिप्स हैं इसकी, ये साइड में एक्स्ट्रा इसका, इसके किसी का हाथ का साइज बड़ा और छोटा होता है। ओके। तो ये ग्रिप्स इसमें आप चेंज कर लें तो आपकी हैंडिंग जो हैंडलिंग है वो आसान हो जाती है, उसका फीलर चेंज हो जाता है। और कुछ मैं आपको एक दो वेपन इम्पोर्टेड दिखा देता हूँ जिसके अंदर ये ब्रैटा प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, गिरसन कंपनी है, बड़ा खूबसूरत पिस्टल है। लेकिन इसका वेट, इसके अंदर साइड में सेफ्टी मौजूद है, ये हैमर वाला पिस्टल कहलाता है। वो स्ट्राइकर था जो ग्लॉक मैंने आपको दिखाया, ये हैमर पिस्टल है। ठीक है जी, बड़ा इसका खूबसूरत डिज़ाइन है और टर्किश कंपनी, गिरसान कंपनी का बना हुआ है ये, और प्राइस भी रिजनेबल है। ये तकरीबन 2,35,000 रुपये करीब हम लोग सेल कर रहे हैं।
आजकल जिगाना की बहुत डिमांड है। जी बिल्कुल। ये जिगाना PX9 मॉडल है, डेजर्ट कलर कहलाता है ये। ओके इसके अंदर भी साइड सेफ्टी दी हुई है इन्होंने, और 17 का इसका मैगजीन है, 17 राउंड का। लाइट वेट है क्योंकि नीचे पॉलीमर वाइट फाइबर बॉडी के अंदर इसका नीचे का फ्रेम बनाया हुआ है इन्होंने, और रेट भी बिलो 200 है बनाते इसके। हुए। हाँ रेट इसके 2 लाख से नीचे है। तो इम्पोर्टेड पिस्टल की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इसमें 99 नहीं बल्कि 100% ये श्योर होता है इसका चलना। तो दूसरी बात है कि इसकी भी सेल अच्छी होती है, और अगर आप कभी भी सेल करते हैं अच्छे पैसे मिल जाते हैं, टाइम टू टाइम इसके रेट बढ़ते बढ़ते हैं भी हैं बिल्कुल। और इसके जितने का भी आपने खरीदा उससे ऊपर ही पैसे मिल जाते हैं टाइम टू टाइम जो है। और ये अगर आप कभी भी इस्तेमाल करें इमरजेंसी में, तो इंसान के शऊर में ये नहीं होती बात कि यार पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। पाकिस्तानी बहुत अच्छा माल बन रहा है, अभी वेपन बहुत अच्छे बन रहे हैं, CNC मशीनें पेशावर में आ गई हैं, अच्छा वहाँ पे मेटलर्जी अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी फैक्ट्रीज हैं, अच्छी कंपनीज का पेशावर में भी अब सामान बन रहा है। तो अगर पेशावर का पिस्टल की बैरल की सफाई रखी जाए, बुलेट अच्छी इस्तेमाल की जाए, तो वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं आज। हमारे पास ये वैरायटी है, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ इसके अंदर भी। ये देखिए ये बराटा शेप के अंदर है, ये इंतहाई कामयाब पिस्टल है। ये आपके पास कॉपी है? ये मेरे पास पाकिस्तानी कॉपी कॉपी है, है। ये ग्लॉक 43, इंतहाई लाइट वेट, ये छोटा, ये बिल्कुल ये मेरे ख्याल में स्लिम स्मार्ट, लेडीज के लिए लेडीज ये के लिए भी पर्स में रख बेस्ट है। सकती हैं। ये जी सेकंड ऑप्शन पिस्टल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, अगर आप इसको एज अ सेकंड ऑप्शन पिस्टल इस्तेमाल करते हैं ठीक तो भी है। ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ग्लॉक 26 है, इसको लाइट वेट होने की वजह से ये भी लोग बहुत पसंद करते हैं। ये स्टूगर की कॉपी है, स्टूगर टर्किश एक बड़ा कामयाब पिस्टल है, ये स्टूगर कुगर के नाम से बड़ा ये कामयाब हुआ है। लोकल है, लोकल में अगर बैरल का ख्याल रखा जाए, उसकी सफाई अच्छे से की जाए, तो वो भी तो अच्छा चलता है, अच्छा पिस्टल है अच्छा सर। चलता है। बिल्कुल। तो इनकी ऑलमोस्ट जो आपने साइट में रखी हुई है पिस्टल्स, जो ये सब पाकिस्तान पाकिस्तान लोकल है? ये 30,000 से 35-40,000 तक, मतलब 30 से 40 तक ये मुकम्मल रेंज है। 6 महीने की इसकी वारंटी होती है हमारी, अच्छा किसी किस्म की खुदा ना खास्ता कोई मेंटेनेंस फॉल्ट वगैरह, कोई रिपेयरिंग का अगर अल्लाह ना करे काम आए, तो 6 महीने तक इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं हम। ठीक। बाकी राइफल की वैरायटी भी अल्हम्दुलिल्लाह, राइफल भी कुछ इंपोर्टेड और इसमें ये पाकिस्तानी वैरायटी है, सब ये 6 मंथ की वारंटी के अंदर हैं, और 222 और 223 की राइफल्स हैं ये। इसके अंदर इसकी तकरीबन 100 मीटर तक इसकी किलिंग पावर होती है, रेंज होती है, तमाम ये लाइसेंस के ऊपर देते हैं हम लोग। वहाँ पर जो शॉटगन्स हैं वो हैं। तो व्यूवर्स ये देखें, यहाँ पर छोटी गन्स के अलावा बड़ी गन्स भी हैं, जिनमें क्लाशन, AK-47 हैं और रिपीटर्स हैं और मज़ीद बहुत सारी गन्स हैं। तो ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, और आगे चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी गन्स हैं और उनके क्या क्या प्राइजेज हैं। अच्छा महमूद साहब, हमें कोई ऐसी पिक्चर्स दिखाएं जो आजकल पब्लिक बहुत इंटरेस्ट इसमें ले रही है, और कुछ इस तरह की वैरायटीज जिस तरह स्पेशल हो, जो इंपोर्टेड हो, वो आप जरा दिखाइएगा। जरूर, मैंने कुछ आपके लिए वैरायटीज पहले ही रखी हैं सामने। ये वो तमाम पिस्टल्स हैं जो अफोर्डेबल हैं और इम्पोर्टेड हैं, जो पब्लिक अपने मुनासिब बजट के अंदर परचेज कर सकती है। इस तरह ये वाला पिस्टल है, ये CZ ड्यूटी कहलाता है, चेक रिपब्लिक का है, 15 राउंड कैपेसिटी है इसके मैगजीन के अंदर, नीचे अच्छा। पॉलीमर फाइबर के अंदर इसकी बॉडी है, हैमर के साथ है ये हैमर के साथ इसका, मतलब ये हैमर फायर है। ओके ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है
ये गिरसन कंपनी का पिस्टल है, ब्रैटा कंपनी के शेप के अंदर दिया है ये। गिरसान कंपनी ने बड़ा हैवी लुक है, ज़बरदस्त इसकी बिल्ट इन क्वालिटी है, खूबसूरत दिया हुआ है गिरसन कंपनी ने। ठीक हो गया। अच्छा, गिरसान कंपनी ने एक ये पिस्टल भी बनाया ब्लैक कलर के अंदर, टर्किश है गिरसन कंपनी। इसके साथ बिल्ट इन अर्जेंटाइन की रेड डॉट भी है। अच्छा, नेक्स्ट पिस्टल कैनिक, ये भी टर्किश, मैटे SFX, ये इसके साथ इसका कवर भी आता है और बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। लॉन्ग रेंज बैरल इसकी लॉन्ग है और पब्लिक इसको इसके ज़्यादातर शूटिंग रेंज पे इस्तेमाल करती है, सेफ्टी लॉक वगैरह इसमें नहीं होता। अच्छा। एक ये टॉरस ब्राज़ील का है, PT-92, बहुत ही इन्होंने इसको खूबसूरत डिज़ाइन किया है। गोल्ड पार्ट इसके अंदर, प्लेटेड पार्ट है इसके अंदर, गोल्ड प्लेटिंग हुई भी है हैमर पे, साइड लॉक पे और ट्रैगर के ऊपर, और ये लिमिटेड एडिशन के नाम से मशहूर हुआ था, बड़ी पब्लिक ने इसको पसंद किया। अच्छा, टॉरस ब्राज़ील में एक ये प्रोडक्ट है, G3 मॉडल है इसका, G3 9mm, 17 शॉट के इसके साथ दो मैगजीन है। ये प्रोडक्ट भी काफ़ी जो है पब्लिक ने अपने बजट इसका कम होने की वजह से बड़ा पसंद किया है। ये तमाम ये इस टाइम 195 का मिल जाएगा। तो ये ज़्यादातर पिस्टल 2 लाख के करीब करीब हैं। अच्छा, 2 लाख 2 लाख 25 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा इनकी प्राइस नहीं है। ठीक है, अब ये जिगाना, ये 2 लाख रुपये से भी कम का पिस्टल है। एक अप्रॉक्स आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि रेट्स में फ्लक्चुएशन होती रहती है जी। तो इसलिए मैं कोई फिक्स प्राइस किसी भी चीज़ की नहीं दे सकूँगा। ठीक है, एक रफ आइडिया ज़रूर दूंगा। ये ज़्यादातर वेपन 2 लाख और 2 लाख के लगभग है। अब ये भी बिलो 200 है, ये 2 लाख से कम का पिस्टल है ये जिगाना के। अच्छा, एक ही पिस्टल आ जाता है Glock 19C, इसके अंदर बैरल में पोर्स दिए हुए हैं, ग्रिप बहुत अच्छी है, USA मेड है, जनरेशन ये Gen 4 है। इसके बैरल के अंदर पोर होने की वजह से इसको 19C कहते हैं, जबकि 19 जो प्लेन बगैर पोर वाली होती है जिसके अंदर सुराख नहीं होते वो 19 कहलाता है। तो ये कुछ वैरायटी हैं, तो और भी बहुत सारे पिस्टल, लेकिन जो कुछ खास खास पिस्टल थे जी वो मैंने आपको जरूर दिखाना थे, ताकि आप कुछ पब्लिक को बता सकें कि क्या वैरायटी है हमारे पास। बाकी पाकिस्तानी भी अच्छे पिस्टल बन रहे हैं आजकल, CNC मशीन के ऊपर पेशावर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा लोहा डाल के, अच्छी मशीनिंग करके इन्हीं पिस्टल्स की बड़ी अच्छी कॉपीज बन रही है। लेकिन कुछ वैरायटी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, ये ब्रैटा की कॉपी है, गिब्सन जो हमने ये 6 मंथ की वारंटी के ऊपर ये 35,000 के अंदर पिस्टल है। किसी का अगर बजट 3 लाख या 2.5 लाख या 1.5 लाख रुपए के पिस्टल का नहीं है, तो वो अगर इन पिस्टल्स की केयर करे और इनके बैरल की सफाई रखे, अच्छी इम्पोर्टेड गोली चलाए, तो ये पिस्टल भी बहुत अच्छे चलते हैं। अब बहुत सारी ऐसी वैरायटी भी है जो लाइट वेट है। अब इसी के अंदर ब्लॉक की एक अभी ये कॉपी आई है, बहुत ही छोटा स्मार्ट सा पिस्टल है, 6 शॉट के अंदर बना है। ये देखिए, ये मेरे ख्याल में लेडीज के लिए ये बहुत अच्छी पिस्टल है, स्मार्ट सा पिस्टल है, Glock 43 मॉडल है ये। ओके। तो ये पर्स में रख लें या अपने बॉडी के अंदर कहीं पे भी रखा हुआ हो, बिल्कुल इसका पता नहीं चलता। ये Glock 26 है, ये जिगाना के नाम से है, ये जिगाना किसास, ये एक ग्रैंड पावर के नाम से, इसकी पॉलीमर बॉडी है और लाइट वेट है ये। ये भी ब्रैटा की कॉपी है, ये 19X की कॉपी है, ये स्टूगर की कॉपी है, ये B6 की कॉपी है। तो ये जितनी भी कॉपीज हैं ये 25 से लेके 35,000 तक विद 6 मंथ वारंटी हम लोग सेल कर रहे हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, फेमस आर्म्स के नाम से मेरी शॉप है, सदर लकी स्टार के ऊपर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो सर आपका गुड नेम? मेरा महमूद नाम है जी। और आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए और वो आपकी शॉप पे विजिट करें इंशाल्लाह। वेलकम। अच्छा, हमारी शॉप सदर लकी स्टार फेमस आर्म्स के नाम से है और शॉप का नंबर है 021-327-83268। शॉप की टाइमिंग हमारी है 11 to 8, रात 8 बजे तक शॉप ओपन होती है, मेन सर्जिकल मार्केट के अंदर, फेमस आर्म्स के नाम से। ठीक है सर। तो व्यूवर्स, ये है गन्स एसेसरीज की शॉप। तो व्यूवर्स, इनके पास गन्स की एसेसरीज़ हैं, इनके पास कवर्स हैं, सफाई के लिए ब्रशेज़ हैं, ऑयल्स हैं, और इनके पास मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं, तो चलते हैं, देखते हैं, भाई से बात करते हैं और देखते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे भाई से पता करते हैं कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। अक्सर लोग सिविलियन में लगाते हैं, वजह ये है कि ये एक्सपोज नहीं होता अंदर जो है ना इसके। अब मैं आपको बताऊँ, 3 दिन से आपका पिस्टल अगर इसमें पड़ा हुआ है ना, तो बिल्कुल वैसा ही निकलेगा जैसा आपने डाला है। स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे, अंदर फर है, नीचे से ये जो है ना बिल्कुल पैक है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि धूल मिट्टी पसीना वगैरह आता है। कराची में जो है ना बहुत बहुत केयर करनी पड़ती है। अपन इसमें वो लेदर नहीं है जी सर, इसमें तो ये VIP चीज है और इसमें स्वीट लगी है, आप समझ रहे हैं, इसमें स्वीट है, इसमें कैपेसिटी मैगजीन की हो, इसमें आपको कलर अवेलेबल हो जाएंगे और जो पिस्टल आप बोलोगे ना हमें उसका बिल्कुल फिट देंगे। इसमें कलर कौन कौन सा? कलर इसमें आपको ब्लैक मिल जाएगा, ठीक है, इसमें ब्लैक मिल जाएगा आपको, सही है, ब्राउन मिल जाएगा, नहीं चीज़ दिखा रहा हूँ जिसका ब्राउन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है इनर की, मैं आपको दिखा, उसको कहते हैं शशके, नहीं होते जो वो, ये चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है हमारे पास, ये आपको नहीं मिलेंगी, ये यकीन नहीं करेंगे आप, जाफर जी इसमें बहुत महंगी चीज़ें हैं। ये 4 बंदों के सामने जब आप निकालेंगे ना तो ये चीज़ लगती है, ये हमारा खुद का काम है, हम खुद बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काम बहुत है। अब ये देखो, ये है, वीडियो की वजह से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये लामा का पिस्टल, छोटे से छोटा पिस्टल भी बोलेंगे ना आपको, उसका भी हमारे पास तैयार मिलेगा। भाई अपना नाम बता दिया, नाम सैफ अली। सैफ भाई अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएंगे? यार कॉन्टेक्ट नंबर ऐसे बता दो? जी जी बिल्कुल, नंबर बता दिया अपना। ये देखें, ये मेरा कार्ड है, ये देखें व्यूअर्स, ये इनका नाम नंबर सारी चीजें आ गई हैं। ये देखो, इसके अंदर लेदर के साथ ही पूरी बनाया जाता है, लेदर और ये पूरी हाथ का काम हुआ है, ये देख रहे हैं, इसके अंदर स्क्रैचेस वगैरह भी हैं, हर चीज ऑर्डर की आपको VIP मिलेगी। अच्छा, अभी मैंने इन साहब भाई से ये इसका पाउच लिया है, जो कि पूरे मतलब जौहर में, गुलशन इकबाल में कहीं मुझे नहीं मिल रहा था, काफ़ी मैंने ढूंढा और ये मैंने इनसे पाउच लिया है। काफ़ी कुछ चीज़ें इनके पास एक्सेसरी पड़ी हुई हैं और आप आएँ इधर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल डे विद शहजाद अहमद को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।